बहुत ज़्यादा होगी ताकि लोगों को फायदा, 7 लाख से ज़्यादा मरीज देख चुके हैं, जिसमें 23,342 सर्जरियाँ हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, इसमें 5-6 किस्म की हैं, आपको जिस समय ने बताया कि वो 6-7 किस्म की हैं, और अभी तो और हमारे पास डिपार्टमेंट हो गए तो वो सर्जरीज हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉब्लम करती है, यहाँ एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है। लेकिन एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी, जिसके रिसोर्सेज नहीं, उसको जब तक हम नॉलेज नहीं देंगे वो उस बीमारी के साथ मरेगा या इसी तरह जिंदा रहेगा, उसकी वो क्वालिटी नहीं है लाइफ की। आप लोग बायस बने इस चीज़ का, हमारी हेल्प करें, उस बंदा जो बेचारा गरीब है, ज़रूरतमंद है, और ये जो इदारा है इसमें आप ब्रिज करें और एक वसीला बने। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे इंडिविजुअली, ये आपका अपना हॉस्पिटल है, आप लोगों को रेफर करें, लोगों को बताएं, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह, 99% हमारी सर्जरी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कश्मीर का इलाका, ये ऊंचाई का इलाका है, इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं कि हम सूरज की तरह ज़्यादा करीब होते हैं, उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उसकी वजह से ये मोतिया बहुत होता है, और लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि उनको कम नज़र आना शुरू होता है, लेकिन जब तक उनको प्रॉपर टेस्ट ना हो तो वो उनको पता नहीं चलता, फिर ये मोतिया बनता बनता वो काला मोतिया बन जाता, फिर बिनाई ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ कम अज़ कम मैंने दीपा में देखा है, नीलम में देखा है, तापर तक गया मैं, छुंटर नाले में खुद कैंप लेके गया, कि वहाँ हमारे पास 20-25% लोगों को मोतिया है। फिर एक ट्रीजियम झिल्ली एक आ जाती है, कईयों को डबल है कि झिल्ली भी है और मोतिया भी है। अभी उस सफ़ेद मोतिया का अगर हम इलाज नहीं करेंगे वो काला मोतिया बन जाएगा, वो बेचारा कोई भी पेशेंट जो है वो बिना ही अपनी लूज कर देगा। बस ये है कि आप लोग और गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट कंसर्न है हमारे से काम ले, हमारे से काम नहीं लिया जा रहा, मुझे ये ज़रा बड़ा दुख से कहता है। जो हमारे पास ओपीडी में ज़्यादातर मरीज़ आते हैं उनका नज़र कमज़ोर होना और ऐनक का, ऐनक ज़्यादातर जो होती है बच्चों में ख़ास तौर पर, जिस तरह आजकल मोबाइल का इस्तेमाल जिस तरह सर ने मैंशन किया ज़्यादा होने की वजह से, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से बच्चों में जो ज़्यादातर ये ऐनक लग रही है। आपने भी देखा होगा कि आजकल छोटे बच्चे होते हैं और 2-3 साल की उम्र से उनको ऐनक लगना शुरू हो जाती है, ये मरीज़ हमारे पास ज़्यादा आते हैं। बाकी यहाँ हमारे पास ओपीडी में एलर्जी के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं।